नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। मुंबई और पुणे में दो अलग अलग घटनाओं में दो लोगों ने एक अजीबोगरीब घटनाक्रम में कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार का कथित रूप से रूप धारण कर लिया, जिससे गुरुवार को राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। दरअसल पुणे में चाकन पुलिस और मुंबई में गाम देवी पुलिस में दो अलग अलग शिकायतें दर्ज की गईं। दोनों ही मामलों में कॉल करने वालों ने कथित तौर पर पवार की आवाज सिल्वर ऑक्स साउथ मुंबई से संबंधित एक नंबर से कॉल की और उनकी आवाज में बात की। पहली घटना में मंत्रालय के एक वरिष्ठ नौकर शाह को कुछ आधिकारिक पक्ष लेने के लिए कॉल किया गया था, जिसमें फोन करने वाले ने शरद पवार के घर से फोन करने का दावा किया। वहीं अधिकारी ने कुछ गड़बड़ महसूस होने पर कॉल को सत्यापित करने के लिए थोड़ी छानबीन की तो पता चला कि शरद पवार उस समय घर पर मौजूद नहीं थे। इसके बाद गामदेवी पुलिस में भी शिकायत दर्ज की गई। हालांकि पुणे वाले मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है और मामले की जाँच कर रही है। पुणे की घटना में कॉल करने वाले ने पवार की आवाज की नकल करते हुए एक पुराने व्यापारिक सौदे से संबंधित कुछ मांगे की, लेकिन दूसरे पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। हालांकि दोनों घटनाओं में बातचीत की सही प्रकृति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। तो राजनीतिक गलियारों में शोर मचा हुआ है। शरद पवार पर कॉल करने वाले आखिर कौन थे, ऐसे तमाम सवाल जो हैं वो सामने खड़े हैं। ऐसे में पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। दरअसल मुंबई और पुणे में दो अलग अलग ये घटनाएं सामने आई, जिसमें दो लोगों ने एक घटनाक्रम में कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार का कथित रूप से रूप धारण कर लिया। ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी आवाज में फोन पर बात की गई, जिससे गुरुवार को राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया था। दरअसल अगर बात की जाए पुणे की, तो पुणे में चाकन पुलिस और मुंबई में गाम देवी पुलिस में दो अलग अलग शिकायतें दर्ज की गई थी। दोनों ही मामलों में कॉल करने वालों ने कथित तौर पर पवार की आवाज सिल्वर ऑक्स साउथ मुंबई से संबंधित एक नंबर से कॉल की और उनकी आवाज में बात की, जिसके बाद पहले तो लगा कि शरद पवार खुद ही बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद वरिष्ठ नौकरशाहों को कुछ अधिकारी पक्ष लेने के लिए कॉल किया गया था, जिसमें फोन करने वाले ने शरद पवार के घर से फोन करने का दावा किया। अधिकारी ने कुछ गड़बड़ महसूस होने पर कॉल को सत्यापित करने के लिए थोड़ी छानबीन की, जिसके बाद ये जानकारी सामने आई कि शरद पवार तो उस समय घर पर मौजूद थे ही नहीं। इसके बाद गामदेवी पुलिस ने भी शिकायत दर्ज की। हालांकि पुणे वाले मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच की जा रही है। वहीं अगर पुणे की घटना की बात की जाए, तो पुणे की घटना में कॉल करने वाले ने पवार की आवाज की नकल करते हुए एक पुराने व्यापारिक सौदे से संबंधित कुछ मांगे की हैं, लेकिन दूसरे पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। और ये चीजें जब निकल के आई हैं, जब देश भर में विपक्षी दल जो है वो पेगासस जासूसी कांड को लेकर संसद से लेकर सदन तक और सड़कों तक हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से अगर इसी मामले की बात की जाए, तो राजनीतिक गलियारों में बवाल मच सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया पर भी तमाम कांग्रेस की तरफ से पहलू रखे जा रहे हैं, तमाम पोस्ट की जा रही हैं और वो सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। इस मामले में भी सरकार को घेरा जा रहा है, क्योंकि ये मामला ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस पेगासस जासूसी कांड को लेकर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अगर बात शरद पवार की जाए, तो एक वरिष्ठ नेता है और काफी सालों से वो कांग्रेस में बने हुए हैं। ऐसे में उनकी आवाज निकाल कर यूं कॉल करना और फिर बाद में पुलिस का ये कहना कि उनकी आवाज़ निकाली गई है, वो घर पे मौजूद नहीं थे, तमाम सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि दोनों घटनाओं में बातचीत की सही प्रकृति अब भी स्पष्ट नहीं हो पाई है। पंद्रह अगस्त 2022 स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाए, लेकिन उससे पहले सरकार की पहल पर सेना के शौर्य से जुड़ा कार्यक्रम अमृत महोत्सव शुरू किया गया है। इसके तहत उनके कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आगरा में आज शुक्रवार सुबह 8:30 बजे से पैरा ब्रिगेड स्थिति BOC मैदान में कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि इस साल भारत 75वीं स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और उसी की तैयारी आप देख सकते हैं। अमृत महोत्सव में सेना का जो शौर्य है वो नजर आ रहा है। इस दौरान वायुसेना के विमान से एक के बाद एक 75 जवानों ने छलांग लगाई। इन जवानों के हाथों में तिरंगा था और उसे थाम कर सभी जवान BOC मैदान में उतरे। इसके अलावा वायुसेना के जवानों ने कई और भी हैरतअंगेज करतब प्रस्तुत किए। वहीं दूसरी तरफ थल सेना ने भी अपने हथियारों की प्रदर्शनी लगाई, जिसमें तोप, रॉकेट लॉन्चर, टैंक, हेवी मशीन गन, कैम, ये सभी हथियार प्रदर्शित किए गए थे।
तो हाथों में तिरंगा और आसमान से छलांग लगाते ये जवान आपको नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि सभी तैयारियां 15 अगस्त को लेकर हो चुकी हैं, सेना पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में तिरंगे की आन बान शान को लेकर भी तमाम जो शौर्य है वो सेना का नजर आ रहा है। तो अमृत महोत्सव में सेना का शौर्य नजर आया, तस्वीरें आप देख सकते हैं। सेना के जो जवान हैं वो हैरत अंगेज करतब करते हुए नजर आए हैं। मुंबई में डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से पहली मौत हुई है। शहर के घाटकोपर इलाके की 63 वर्षीय महिला ने 21 जुलाई को कोरोना संक्रमित होने के बाद 27 जुलाई को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। गुरुवार को उनकी नई रिपोर्ट आई जिसमें पता चला कि उनकी मौत डेल्टा प्लस वेरिएंट से हुई है। वहीं खास बात यह है कि महिला ने वैक्सीन के दोनों डोज ली हुई थी। डेल्टा प्लस वेरिएंट से महाराष्ट्र में अब तक 2 मौत हो चुकी हैं। पहली मौत 13 जून को रत्नागिरी में 80 वर्षीय महिला की हुई थी। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने ब्राह्मण मुंबई नगर निगम BMC को जानकारी दी थी कि मुंबई में 7 लोग डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद BMC ने इन मरीजों के संपर्क में आए लोगों से बातचीत करना शुरू कर दिया था। ये महिला भी उन 7 लोगों में ही शामिल थी। तो महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के कुल मरीज 56 बताए जा रहे हैं और पहली मौत बताई जा रही है कि मुंबई में डेल्टा प्लस वेरिएंट से हुई है। दरअसल कुछ दिनों पहले एक महिला की कोरोना संक्रमित होने के बाद मौत हो गई थी, लेकिन अब रिपोर्ट ये सामने आई है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट से महिला की मौत हुई है। आप बता दें कि भारत में पहला मामला डेल्टा वेरिएंट का देखा गया था और इसके नए स्वरूप भी भारत में लगातार देखे जा रहे हैं। चलिए इस पूरे मामले को ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। संपर्क में आने वाले 2 अन्य मरीज भी डेल्टा प्लस से संक्रमित बताए जा रहे थे। तो मरीज भी डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित थे, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो शुरू में घर पर इलाज चला था, लेकिन उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। राज्य में 65 मरीज डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित थे। ये महाराष्ट्र के जो आंकड़े हैं वो हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य में 65 मरीज डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित थे, जिनमें से पहली मौत जो है वो सामने आई है। हर महीने 100 सैंपल की जांच की जाती है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ डॉक्टर चिन्मय गुप्ता जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। चिन्मय जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। और सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि लगातार जो मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कोरोना के, उसके बाद पहला जो मौत है वो नजर आई है। हेलो चिन्मय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चिन्मय जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? काजल जी, काजल जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है। क्योंकि आज आया है कि मुंबई में रिपोर्ट आई है कि 63-year-old वुमन की जो ऑलमोस्ट फुली वैक्सीनेटेड, जिसकी डेल्टा प्लस कोविड से डेथ हुई कॉम्प्लिकेशन से। लेकिन जो सेकेंड वेव में जो वायरस जो था, इसका वेरियंट वो वैक्सीन आपने हमने देखा कितना हो सकता भाई मचाई, कितना कितनी डेथ हुई, कितनी मोर्टैलिटी रेट था। अब जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है विच इज मोर कॉन्टेजियस एंड इसमें सिम्टम्स भी कम आते हैं, लेटेस्ट स्टेज से पकड़ता है, डिजीज फास्ट स्प्रेड होता है। तो हम लोग को ये बहुत ध्यान रखना है कि अभी भी थर्ड वेव हम लोग को ना है, जैसे कि हम लोग सब बोल रहे हैं
50% ऑक्यूपेंसी खुल गई है, मॉल्स खुल गए हैं, स्कूल खुल रहे हैं, तो मुझे अभी भी लगता है कि जब तक जो लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं वही लोग बाहर जाएं और मास्क का प्रयोग हमेशा करें। चिन्मय जी बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो मुंबई में डेल्टा प्लस वेरिएंट से पहली मौत जो है वो सामने आई है, ऐसे में लगातार डॉक्टर से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो लगातार अपने स्वरूप बदल सकता है और इसी वजह से ये पहली मौत तो अब सामने आई है, लेकिन चिंता का विषय यह है कि आगे आने वाले समय में ये मामले और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में गुरुवार की रात को भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के घर पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया। हमले में 2 साल के बच्चे की मौत हो गई जबकि अन्य 6 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस अधिकारी ने मामले की जानकारी दी है। आपको बता दें कि ग्रेनेड हमला बीजेपी कार्यकर्ता जसवीर सिंह के घर पर हुआ है। हमले में जसवीर सिंह, उनके माता पिता और 3 अन्य रिश्तेदार घायल हुए। वही मामले की जानकारी अधिकारियों ने बताया कि खंडली इलाके में स्थित एक घर पर संदिग्ध आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंका जो छत पर फट गया। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में राजनेताओं और खासतौर से बीजेपी से संबंध रखने वाले लोगों में हमले बढ़ गए हैं। 4 दिन पहले कश्मीर घाटी के अनंतनाग में बीजेपी से जुड़े एक ग्राम प्रधान और उसकी पत्नी की हत्या के बाद ये मामला सामने आया। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख दिलबाग सिंह ने इस सप्ताह कहा था कि आतंकवादियों के 3 से 4 समूह ने हाल ही में सीमा पार से क्षेत्र में घुसपैठ की है। एक पुलिस अधिकारी ने यह भी कहा कि 36 वर्षीय जसवीर सिंह और उनके परिवार के 5 सदस्यों को हमले में बम के छर्रे लगे, इसमें से 2 को इलाज के लिए जम्मू रेफर कर दिया गया जबकि 1 बच्चे की मौत हो गई। जिस बच्चे की मौत हुई वो जसवीर सिंह का भतीजा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सुरक्षा बल आनन-फानन में घटना स्थल पर पहुंचे और हमलावरों की तलाश के लिए तलाशी अभियान भी शुरू किया है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक और आतंकी हमला हुआ जहां पर 2 साल के बच्चे की मौत हो गई है, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कासगंज में खनन माफियों को प्रशासन का कोई डर नहीं है। खनन माफिया खुलेआम भारी मात्रा में खनन कर रहे हैं। खनन सामग्री लिए ये ट्रैक्टर खुलेआम सुबह 5 बजे सिरपुरा थाना क्षेत्र से होकर गुजरते हैं पर फिर भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। गौर करने वाली बात यह है कि दोनों थानों की सीमाओं से होकर गुजरने के बावजूद ना ही इन ट्रैक्टरों पर कोई कार्रवाई की जा रही है और इस काले काम को अंजाम देने वाले खनन माफियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो ग्रेटर नोएडा लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है और 5 किलोमीटर लंबा जाम भी लगने की आशंका नजर आ रही है। तो ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर लंबे जाम की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में तस्वीरें आप देख सकते हैं कि करीब 5 किलोमीटर तक ये लंबा जाम लगने के अनुमान जताए जा रहे हैं। फिलहाल सुबह से ही इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। दरअसल 15 अगस्त के मौके पर तमाम रूट डाइवर्ट हुए हैं, ऐसे में जो दिल्ली से आने वाले लोग हैं जो नोएडा आ रहे हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जाम की स्थिति से जूझना पड़ रहा है। तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पूरी तरह से जाम की स्थिति से जूझ रहे हैं।
उत्तरकाशी मुख्यालय में अवैध कच्ची शराब पर भी आबकारी अधिकारी का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। दरअसल उत्तरकाशी आबकारी अधिकारी ओम प्रकाश ने ज्ञानसू के जंगलों से 20 कनस्तर कच्ची शराब बरामद की है। आबकारी विभाग उत्तरकाशी समय लगातार अवैध संबंध कारोबारियों पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। पिछले कुछ सालों पर नजर डाले तो आबकारी विभाग की तरफ से अवैध शराब कारोबारियों पर कार्रवाई कम ही दिखाई देती थी, लेकिन इस समय जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के सख्त निर्देश पर आबकारी विभाग लगातार अवैध कच्ची शराब अंग्रेजी शराब का कारोबार करने वाले लोगों पर कार्रवाई अमल मिला रहा है। इससे वर्तमान में जिले में अवैध शराब का कारोबार करने वाले लोगों में आबकारी विभाग का डर लगातार बना हुआ है। हालांकि अवैध शराब का कारोबार पूरी तरीके से खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ हद तक कम जरूर हुआ है। वही समय जिले में आबकारी अधिकारी का प्रभाव ओम प्रकाश देख रहे हैं। ओम प्रकाश और यशवंत सिंह आबकारी निरीक्षक भी हैं। प्रभारी आबकारी अधिकारी ओम प्रकाश के नेतृत्व में पिछले महीने लगातार मुखबिर की सूचना पर जिले के अलग अलग जगहों पर आबकारी विभाग की टीमें छापेमारी कर शराब का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन यूपीएससी की परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। यूपीएससी के तहत होने वाले सशस्त्र पुलिस बलों सीआरपीएफ की परीक्षा में बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। ममता ने कहा कि बीजेपी यूपीएससी जैसी संस्थाओं को बर्बाद कर रही है। दरअसल 8 अगस्त को सीएपीएफ की परीक्षा में बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर सवाल किया गया था। परीक्षा में एक सवाल किया गया था कि बंगाल चुनाव हिंसा पर करीब 200 शब्दों में प्रतिवेदन लिखिए। इस सवाल पर टीएमसी ने बीजेपी पर निशाना साधा। इसके अलावा परीक्षा में कृषि कानूनों को लेकर भी सवाल किया गया। इन सवालों को बीजेपी के सवाल करार देते हुए ममता बनर्जी ने यूपीएससी पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कभी संघ लोक सेवा आयोग निष्पक्ष हुआ करता था, अब इसके प्रश्न पत्रों में बीजेपी सवाल दे रही है। यूपीएससी के पेपर में बंगाल पोस्ट पोल वायलेंस पर सवाल था, राजनीतिक रूप से प्रेरित किसान आंदोलन पर सवाल था। ममता ने कहा कि बीजेपी यूपीएससी जैसी संस्थाओं को लगातार बर्बाद कर रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। जिस बिल्डिंग में आतंकी छिपे हैं उसकी तलाशी ली जा रही है। उधर श्रीनगर जम्मू हाईवे पर यातायात रोक दिया गया है। जानकारी के मुताबिक दक्षिण कश्मीर के कुलगांव जिले के कांजीकुंड में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर गुरुवार दोपहर बाद आतंकियों ने बीएसएफ के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग की। हमले के बाद जवानों ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान हमलावर आतंकी भागकर एक दुकान के गोदाम में छिप गए और वहां से भी सुरक्षा बलों पर फायरिंग की। अंधाधुंध गोलीबारी में एक सीआरपीएफ जवान, एक सेना का जवान और दो नागरिकों को गोली लगी। सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। पुलिस ने बताया कि जम्मू से श्रीनगर जा रहे काफिला जैसे ही कांजीकुंड इलाके के मालपुरा में पहुंचा तो पहले से घात लगाए आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी है। अचानक हुई फायरिंग के बाद काफिले में शामिल जवानों ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई शुरू की। इस दौरान आतंकी मौके से भाग निकले। जवानों ने पीछा किया तो आतंकी एक दुकान के गोदाम में घुस गया। सुरक्षा बलों ने उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। उन्होंने सुरक्षा बलों पर फायरिंग जारी रखी। जवानों की जवाबी कार्रवाई के बाद मुठभेड़ भी शुरू हो गई। कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट को देखते हुए तमाम राज्यों में स्कूल कॉलेज फिर से खुलने शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार राज्य में 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के लिए स्कूल, विश्वविद्यालय, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट को 1 सितंबर से खोल दिया जाएगा। हालांकि कोविड-19 प्रोटोकॉल्स को बनाए रखने के लिए हर सेशन में केवल 50% छात्रों को कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। वहीं कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों के लिए फिलहाल केवल ऑनलाइन मोड में कक्षाएं संचालित की जाएंगी। अधिसूचना के अनुसार राजस्थान में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल, विश्वविद्यालय, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 1 सितंबर से फिर से खुलेंगे। स्कूल खोलने के संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्विटर हैंडल से भी जानकारी दी है। तो 1 सितंबर से 9वीं और 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का पालन करना अनिवार्य होगा। तो कोरोना काल के बीच स्कूल खोलने की तैयारी सभी राज्यों ने कर ली है। इसी कड़ी में राजस्थान भी अब 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने की पूरी तैयारी कर चुका है। 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। हालांकि इसको लेकर तमाम गाइडलाइंस जारी की गई हैं। उन्हीं गाइडलाइंस के तहत स्कूल खोले जाएंगे।
यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आए 4 साल से ज्यादा समय हो गया है। योगी सरकार के कार्यकाल का लेखा जोखा पेश करते हुए नोएडा प्राधिकरण ने बताया है कि औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा में इस दौरान 855 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हुई। इससे नोएडा में करीब 20,560 करोड़ रुपए का निवेश आया और करीब 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिला। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु महेश्वरी ने बताया कि सरकार के 4 साल के दौरान 855 औद्योगिक इकाइयों को करीब 25,000 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की गई। खास बात यह है कि सबसे ज्यादा कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2018 से 19 के दौरान आवंटन किया गया, जिनकी संख्या 527 है। ये योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का दूसरा साल था। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ने बताया कि कोरोना की पहली लहर से सबक लेते हुए नोएडा अथॉरिटी ने वित्त वर्ष 2020 से 21 के दौरान आपदा में भी कड़ी मेहनत से काम किया और इस दौरान 186 कंपनियों को आवंटित किया है। इन औद्योगिक इकाइयों में 1.5 लाख प्रत्यक्ष रोजगार पैदा हुए। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में सैमसंग, अडानी, कैंट, आरओ सिस्टम, हल्दीराम, यूफ्लेक्स, न्यूफ्टून सिस्टम, रोटो पंप्स, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और बेस्टवे इलेक्ट्रॉनिक्स, 197 कम्युनिकेशन, TCS, मदरसन, INGAK, केयर सेंटर जैसी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में नोएडा में या तो नई औद्योगिक इकाइयां लगाई हैं या अपने कारोबार का विस्तार किया है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर संकट के बादल एक बार फिर से मंडरा रहे हैं। चारा घोटाले की तरह अब वो डोडा कोषागार मामले में भी जेल की हवा खा सकते हैं। दरअसल रांची CBI कोर्ट ने बचाव पक्ष की अर्जी को खारिज करते हुए रोजाना बहस का आदेश दे दिया। बचाव पक्ष ने कोर्ट के फिजिकल तौर पर खुलने तक सुनवाई टालने की अपील की थी, लेकिन कोर्ट इस मामले की सुनवाई करने के लिए तैयार है। डोडा कोषागार मामला संयुक्त बिहार से जुड़ा है, जो अब झारखंड का डोडा कोषागार मामला कहा जाता है। इसमें करीब 140 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉक्टर आरके राणा, ध्रुव भगत समेत 110 आरोपी थे। इस मामले की सुनवाई टालने के लिए लालू प्रसाद यादव समेत 77 लोगों ने अर्जी दी थी। इसके तहत जब तक कोर्ट फिजिकली शुरू नहीं हो जाती तब तक सुनवाई टाले जाने का अनुरोध किया गया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी कहा जा सकता है कि लालू की टेंशन एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ सकती है। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट काफी तेजी से अपने रूप बदल रहा है। दुनिया भर में अब डेल्टा वेरिएंट से ही जुड़े 13 नए स्वरूप सामने आ चुके हैं। इनमें से 5 भारत में भी मिले हैं। करीब 100 से ज्यादा लोगों में इसकी पुष्टि हो चुकी है। गौर करने वाली बात यह है कि देश के लगभग हर राज्य में डेल्टा के नए स्वरूपों से संक्रमित मरीज मिले हैं। इसे लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्तमान में स्थिति चिंताजनक नहीं है, लेकिन भविष्य में गंभीर होने से इनकार भी नहीं किया जा सकता। ये वेरिएंट इतना ताकतवर है कि टीकाकरण पूरा कर चुके या फिर पहले संक्रमित होने के बाद स्वस्थ होने वाले व्यक्ति को दोबारा नुकसान दे सकता है। तो डेल्टा वेरिएंट लगातार अपने स्वरूप बदलता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले समय में ये और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो दुनिया में अब तक 13 स्वरूप मिल चुके हैं, जिनमें से 5 भारत में ही मौजूद हैं। देश में कोरोना वायरस के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। आज फिर कोविड-19 के नए मामले 40,000 के पार आए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 40,120 नए मामले दर्ज हुए, जबकि इस दौरान 585 कोरोना संक्रमित मरीजों की जांच चली गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 42,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। पूरे देश में कुल 3 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट की अब तक की सबसे ज्यादा 97.46% पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 3 लाख से ज्यादा है, जबकि पिछले 24 घंटे में नए मामलों के मुकाबले ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अधिक रही। इससे एक्टिव केस में कमी आई है। पिछले 24 घंटे में वैक्सीन की करीब 57 लाख डोज लग चुकी है। अब तक की कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 52 करोड़ से ज्यादा है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट की बात की जाए तो 2.04% है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।